Hello everyone, from the last 6 months I am doing a full time job as a video editor, also doing freelancing in parallel. So I experience in both. I earn from my freelancing also similar to my job. Now I can leave my job, but I don't. Why? Nowadays building an agency is like a trend. Everyone is there want to build his own agency without a proper knowledge. And that's the result, most of them failed. So hello everyone, I am Sushant and in this video I will talk about this particular topic. जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज ए वीडियो एडिटर देन कुछ सवाल आपके मन में आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो खुद से सवाल करो यार, फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट। शुड यू स्टार्ट फ्रॉम जॉब और शुड यू स्टार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग? यू हैव बोथ ऑप्शन। इफ यू वॉच दिस एंटायर वीडियो टिल द वेरी एंड, आई एम प्रीटी श्योर योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्वड एंड यू विल क्लियर अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाता है जॉब और फ्रीलांसिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। मैं बात छोटा करके बता दूं, जॉब के बेसिकली मतलब होता है आप किसी के अंडर में काम करते हो, आपको क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता, आप बस किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम करते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो बस, और आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में होता है आपको खुद क्लाइंट ढूंढना पड़ता है, क्लाइंट के साथ काम करना होता है, आपको खुद से ही सारा चीज मैनेज करना पड़ता है, सारा स्किल सीखना पड़ता है खुद से ही, और आप घर बैठे कहीं पे भी काम कर सकते हो। बस ये दो मेन डिफरेंस होता है फ्रीलांसिंग और जॉब में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक, फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट। इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग देन यहाँ पे कुछ मेरिट कुछ डिमेरिट तो आएगा ही, जॉब में भी सिमिलर कुछ डिमेरिट कुछ मेरिट तो आएगा ही। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीलांसिंग। इफ यू आर अ प्रॉपर बिगिनर और अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं है तो क्लाइंट ढूंढते ढूंढते आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। एंड मे बी आफ्टर फ्यू मंथ यू विल से फ्रीलांसिंग चीज बेकार है। यार फ्रीलांसिंग चीज बेकार नहीं है, आपका डिसीजन बेकार था। नंबर टू, यू हैव ए बैरियर टू अपग्रेड योर स्किल। देखो फ्रीलांसिंग में आप लोग अकेले ही घर पे काम करोगे, आपके पास कोई भी पार्टनर नहीं होगा, तो आपको जो कुछ भी सीखना पड़ेगा खुद से सीखना पड़ेगा। सो इसीलिए आपका जो स्किल सेट है उसको अपग्रेड करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप किसी भी वही स्किल सेट पे काम करोगे, आपके कोई नया टूल के बारे में आइडिया नहीं होगा, कुछ नया नहीं पता चलेगा नया ट्रेंड के बारे में। एंड ऑब्वियसली देयर ऑल्सो हैव सम मेरिट्स ओनली इफ यू हैव सम क्लाइंट्स। इफ यू हैव सम क्लाइंट्स और इफ यू हैव ए गुड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग, बट फॉर लॉन्ग टर्म मे बी सम प्रॉब्लम विल हैपन विद यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब। अगर आप जॉब करोगे तो आपको 9 to 5 जॉब करना पड़ेगा, एक ही टाइम फ्रेम में डेली आपको जॉब करना पड़ेगा, ऑफिस में जाके जॉब करना पड़ेगा, फ्रीली काम नहीं कर पाओगे, बस यही है डिमेरिट्स। लेकिन इफ यू आर अ प्रॉपर बिगिनर देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द जॉब, एंड आई एम सेइंग दिस जस्ट बिकॉज आई हैव दैट एक्सपीरियंस। लेट्स टॉक अबाउट माय स्टोरी। जिस टाइम पे मैंने जॉब ज्वाइन किया था उस टाइम पे मुझे लगता था यार मुझे तो वीडियो एडिटिंग के बारे में बहुत कुछ आता है, मुझे तो सारा चीज़ आता है, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत चीज़ आता है। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज ऑफ जॉब मैंने रियलाइज किया यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मैंने बहुत कुछ सीखा जॉब से, लाइक मान लो हाउ टू इम्प्रूव एडिटिंग स्किल, हाउ टू मेक अ एंगेजिंग वीडियो, और भी टाइम मैनेजमेंट वगैरह, फाइल मैनेजमेंट वगैरह, मुझे बहुत सारे टूल्स के बारे में पता चला, बहुत सारे ट्रेंड के बारे में पता चला, बहुत कुछ सीखा है मैंने, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, वेयर टू फाइंड क्लाइंट्स, ईच एंड एवरी छोटी छोटी चीज मैंने जॉब से सीखा है। और आज मैं जो फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब नहीं करता तो मुझे शायद एक क्लाइंट भी नहीं मिलता। जॉब की वजह से मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया उससे मुझे एक क्लाइंट मिला है। और ये जो स्किल वगैरह मैं जॉब से सीख रहा हूँ ना आज, अगर मैं कल जॉब छोड़ भी दूंगा तो मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और यहाँ पे एक स्टोरी और आते है। जॉब करने के पहले मैं दो इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, एक तो था जिसका ब्लॉग मैंने एडिट करता था, कितना प्राइस पे करता था वो वगैरह वगैरह वीडियो डिटेल्स आपको आई बटन पे इस वीडियो में मिलेगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा एक क्लाइंट था जिससे मैं कुछ शॉर्ट वीडियो वगैरह एडिट करता था, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा आता ही नहीं था यार। मुझे जॉब करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं बस घिसे पिटे वही स्किल पे काम कर रहा था, मेरे खुद का कुछ अपग्रेड नहीं हो रहा था स्किल का। लेकिन किसी किसी के लिए ये काम कर देते हैं फ्रीलांसिंग। इफ यू हैव दैट पोटेंशियल देन यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग, बट इफ यू हैव नॉट देन फाइंडिंग अ जॉब फर्स्ट। क्यों मैंने अभी तक जॉब नहीं छोड़ा? एक्चुअली मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है जॉब से, इसलिए मैंने जॉब नहीं छोड़ा अभी तक। बस मुझे इतना पता है मुझे बहुत कुछ सीखना है। सो इन शॉर्ट, अगर आपके पास अच्छा खासा क्लाइंट है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, देन यू कैन चूज फ्रीलांस। और अगर आपके पास नहीं है, आप प्रॉपर बिगिनर हो, देन फर्स्ट स्टार्ट फाइंडिंग अ जॉब। ऑल देयर यू हैव इट फ्रेंड्स, जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग, योर जर्नी इज यूनिक एंड देयर नो वन हाइट्स फिट्स ऑल आंसर। सो एम्बेस योर पाथ, कीप लर्निंग, लेट योर क्रिएटिविटी सोर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुदन साइनिंग ऑफ।